नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 12 अक्टूबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बीटीएससी ने आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए निकाले रिक्तियां। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने हाल ही में आयुष मेडिकल ऑफिसर और आयुष फिजिशियन पद के लिए 3,270 पदों पर रिक्तियों की मांग की और योग्य उम्मीदवार से बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bts.bih.nic.in पर जाकर आवेदन करने की मांग की गई है। हालांकि अभी इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता का जिक्र नहीं किया गया है, मगर जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर इसका वर्णन भी कर दिया जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 24 अक्टूबर से पहले आवेदन की मांग की गई है। आपको बता दें, 25 सितंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पटना के इस गांव में सड़क नहीं पहुंचने के कारण लोगों ने वोट बहिष्कार का किया फैसला। जहां सरकार हर साल चुनाव के दौरान अपने विकास की गाथा गाती है, वहीं कई ऐसे गांव हैं जहां अब तक सड़क नहीं पहुंच पाई है और इसका प्रभाव इस बार के चुनाव पर भी देखने को मिलने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे जनता का उत्साह और गुस्सा दोनों बढ़ता जा रहा है। विकास न होने की वजह से जनता न केवल परेशान है, बल्कि इस बार के चुनाव में जनता ने मन बना लिया है कि वोट उसी को देगी जो उनके लिए कुछ करने का दम रखता है। यह वाकया है मसौड़ी के नूरा पंचायत के थलपुरा गांव का, जहां लोगों ने इस बार वोट बहिष्कार का पूरा मन बना लिया है। इस गांव में सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। सीबीएसई ने 70% पाठ्यक्रम के साथ जारी किया बोर्ड परीक्षाओं का सैंपल प्रश्न पत्र। सीबीएसई ने छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए 70% पाठ्यक्रम के साथ ही बोर्ड परीक्षाओं का सैंपल प्रश्न पत्र जारी कर दिया है। छात्र सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbseacademic.nic.in पर जाकर 10वीं और 12वीं के सभी विषयों के सैंपल प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के लिए जारी सैंपल प्रश्न पत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत 12वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान पहली बार छात्रों से क्षमता आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। पत्र में इन सवालों की संख्या कुल मिलाकर के 10% होगी। वहीं 10वीं बोर्ड में परीक्षा में इस बार क्षमता आधारित सवालों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। हालांकि पिछली बार ऐसे सवालों की संख्या 10% से कम थी। सीबीएसई से मिली जानकारी के मुताबिक यह बदलाव केवल आगामी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए ही किए जा रहे हैं। कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,96,000 के पार। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,302 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 1,96,268 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित जिलों की अगर बात करें तो अररिया में 114, अरवल में 15, औरंगाबाद में 32, बांका में 18, बेगूसराय में 20, भागलपुर में 31, भोजपुर में 9, बक्सर दरभंगा में 9, पूर्वी चंपारण में 49, गया में 44, गोपालगंज में 34, जमुई में 10, जहानाबाद में 30, कैमूर में 2, कटिहार में 20, खगड़िया में 9, किशनगंज में 20, लखीसराय में 27, मधेपुरा में 57, मधुबनी में 23, मुंगेर में 23, मुजफ्फरपुर में 39, नालंदा में 40, नवादा में 63, पटना में 290, पूर्णिया में 59, रोहतास में 18, सहरसा में 20, समस्तीपुर में 17, सारण में 21, शेखपुरा में 22, शिवहर में 12, सीतामढ़ी में 4, सिवान में 19, सुपौल में 25, वैशाली में 29, पश्चिम चंपारण में 12 मामले सामने आए हैं। जारी किए गए नामांकन पत्रों में 264 पत्रों को किया गया रद्द। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 71 सीटों के लिए कुल मिलाकर 1,357 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया था। जांच के दौरान 264 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र सही नहीं पाए गए हैं, जिसके कारण इन सभी नामांकन पत्रों को रद्द कर दिया गया है। पहले चरण में सिर्फ 1,090 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र वैध माने गए हैं। पहले चरण के प्रत्याशियों के नाम वापसी की अंतिम तारीख सोमवार को निर्धारित की गई है। नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों को सिम्बल आवंटित किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण के 94 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन के दूसरे दिन सिर्फ 8 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया था। आदर्श सहित लागू होने की तारीख से अब तक कई मामले भी सामने आ चुके हैं। पटना IGIMS अस्पताल में एक साथ 10 डॉक्टर मिले डेंगू संक्रमित। कोविड 19 का माहौल अभी थमा नहीं है, डेंगू ने अपनी चपेट में पटना वासियों को लेना शुरू कर दिया है। साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में डेंगू का कहर फैलता जा रहा है। मरीजों के साथ साथ अब इनके संक्रमण ने डॉक्टरों पर भी अपना असर डालना शुरू कर दिया है। ताजा मामले सामने आ रहे हैं पटना के IGIMS अस्पताल से, जहां के रेसिडेंट कैंपस में डेंगू का कहर फैलता जा रहा है और एक साथ 10 डॉक्टर इसकी चपेट में आ गए हैं। इतना ही नहीं, हैरान करने वाली बात यह है कि इन डॉक्टरों के साथ साथ इनके कई परिजन भी डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। प्रभावितों में नेफ्रोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एनेस्थीसिया के सीनियर डॉक्टर शामिल है। बिहार में 2 दिनों तक मौसम रहेगा सामान्य। इस बार मॉनसून की अच्छी बारिश होने के बाद अगले 2 दिनों तक कोई बारिश के आसार नहीं देखे जा रहे हैं। पटना समेत पूरे बिहार में अगले 2 दिनों में कहीं भी बारिश के आसार नहीं जताए गए हैं। मौसम साफ रहने का अनुमान लगाया गया है। अधिकतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी होगी और उमस भरी गर्मी से लोगों को परेशानी हो सकती है। बंगाल ओडिशा के तट पर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था वो कमजोर पड़ गया है।
यही इस वजह से मौसम शुष्क हो गया है। वहीं दूसरी तरफ अंडमान निकोबार में बना कम दबाव का क्षेत्र भी धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिसके बाद 13 अक्टूबर तक वहां पहुंच जाने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार इस नए सिस्टम की वजह से पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में कहीं हल्की तो कहीं गरज के साथ छींटे पड़ने के आसार है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे आचार्य शिवपूजन सहाय के। शिवपूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त 1893 को भोजपुर जिले के उनवांस गांव में एक मध्यम वर्ग के कायस्थ भूमि के मालिक परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम भोलानाथ था। आचार्य शिवपूजन महाय एक प्रख्यात हिंदी उपन्यासकार, संपादक और गद्य लेखक थे। उन्होंने अपने कामों को परिषद द्वारा शिवपूजन रचनावली के 4 संस्करणों में संकलित और प्रकाशित किया गया था। बाद में उनके संपूर्ण कार्यों को उनके पुत्र मंगल मूर्ति ने 10 संस्करण में शिवपूजन सहाय साहित्य के रूप में संपादित और प्रकाशित किया। उन्हें कई स्मारक ग्रंथ के संपादन के लिए 1960 में पद्मभूषण से भी सम्मानित किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर मनाई लोक जननायक जयप्रकाश नारायण की जयंती। बीते दिन देशभर में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 41वीं जयंती मनाई जा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास पर जेपी को याद करते हुए इस दौरान उन्होंने लोक नायक की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान कर दिया गया है। इसी के साथ ही पूरे प्रदेश में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। इसी कारण जेपी की जयंती पर किसी भी तरह के कार्यक्रम का आयोजन नहीं करवाया गया था। आचार संहिता लागू करने के कारण ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर जेपी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। दरभंगा के अहिल्या पर्यटन स्थान पर आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। अहिल्या स्थान या मंदिर अहियारी गांव में स्थित एक ऐतिहासिक प्रसिद्ध मंदिर है। रामायण के अनुसार जब भगवान राम अपने गुरु और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ मिथिला होते हुए जनकपुर जा रहे थे तो उनका पैर एक पत्थर को छू गया था और वो पत्थर एक औरत बन गई थी और वो औरत कोई और नहीं बल्कि अहिल्या थी। वो पत्थर इसीलिए बन गई थी, वो अपने पति गौतम ऋषि के श्राप से अभिशापित थी। स्थान से वो पत्थर से औरत बन गई थी, वहीं पर इस भव्य मंदिर का स्थापना करवाया गया था। अहिल्या स्थान में प्रतिवर्ष 2 बार वृहत मेला लगता है। हिंदी महीने के चैत्र में रामनवमी के अवसर पर और दूसरा अगहन महीने के विवाह पंचमी के अवसर पर। सिमरी बख्तियारपुर में वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी उतरेंगे मैदान में। आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल फूक चुका है, वहीं प्रत्याशियों के नामांकन का सिलसिला भी जारी है। इसी क्रम में महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हुए वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने सिमरी बख्तियारपुर से मैदान में उतरने का फैसला किया है। लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी खगड़िया संसदीय सीट के हसनपुर, सिमरी बख्तियारपुर, अलौली, खगड़िया, बेलदौर और परबत्ता से मैदान में उतरे थे। हालांकि सभी जगह पर 40,000 से अधिक वोटों से पिछड़ गए थे। उनकी पार्टी मुजफ्फरपुर और मधुबनी में भी कुछ खास नहीं कर पाई थी। सिमरी बख्तियारपुर में मुकेश सहनी को लोकसभा में कितने वोट मिले थे उसके आधे वोट ही उनके प्रत्याशियों को उपचुनाव में मिले थे। हालांकि इस बार भाजपा के साथ गठबंधन होने के बाद से मुकेश सहनी का हौसला काफी ज्यादा बढ़ा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि सीट से चुनाव पर इस बार उनकी जीत तय है। आपको बता दें भाजपा के साथ मिलकर मुकेश सहनी को भाजपा ने अपनी तरफ से कुल मिलाकर 11 सीटें दे दी हैं। पहले चरण के चुनाव से पहले पुष्पम प्रिया चौधरी को लगा बड़ा झटका। पहले चरण के चुनाव से पहले ही प्लूरल्स पार्टी के पुष्पम प्रिया चौधरी को करारा झटका लगा है। मिली जानकारी के अनुसार पहले चरण के नामांकन दर्ज कर चुके हैं और इसमें 61 उम्मीदवारों में से 28 के नामांकन को रद्द कर दिया गया है। दरअसल पहले फेज के लिए पुष्पम प्रिया चौधरी ने जिन उम्मीदवारों के नॉमिनेशन किए थे उनमें से 28 का नामांकन अवैध घोषित किया जा चुका है और इसे रद्द कर दिया गया है। इस बात की जानकारी पुष्पम प्रिया चौधरी ने ट्वीट करके दी है। पार्टी की तरफ से पहले चरण के 61 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, जिसमें से 33 का नामांकन फिलहाल वैध माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगा एक और झटका। टिकट नहीं मिलने के कारण कई पार्टियों के नेता बगावत मूड में नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में जदयू को भी बीते दिन बड़ा झटका लगा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड को करारा झटका लगा है। पार्टी के बाहुबली नेता और लालगंज से विधायक मुन्ना शुक्ला ने जदयू को इस्तीफा दे दिया। मुन्ना शुक्ला टिकट नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं। खबरों की माने तो मुन्ना शुक्ला की सीट भाजपा के खाते में चली गई है, जिसके बाद शुक्ला ने लालगंज सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। मुन्ना शुक्ला 12 अक्टूबर को नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पार्टी को छोड़ने के बाद उन्होंने नीतीश सरकार पर भी कई आरोप लगाए हैं। उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मायावती अब करेंगी प्रचार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी तरीके से कर ली गई है। 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर प्रथम चरण का मतदान होने वाला है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक सर्कुलर फ्रंट के प्रत्याशी को जिताने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। मायावती के साथ सतीश चंद्र मिश्रा भी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। एनडीए और महागठबंधन को अकेले टक्कर देने का दावा करने वाली बीएसपी कई दलों के साथ मिलकर जीडीएसएफ बनाकर चुनौती देने के लिए तैयार हो गई है। इस गठबंधन का नेतृत्व उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से
तीन स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के साथ सतीश चंद्र मिश्रा, आकाश आनंद, कुणाल किशोर, विवेक समेत कई के नाम शामिल है। चुनाव प्रबंधन के लिए कांग्रेस ने 6 कमेटियों का किया गठन। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रबंधन कमेटी का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने 6 कमेटियों का गठन किया है। बिहार चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने लीगल कमेटी और ऑफिस मैनेजमेंट कमेटी का भी गठन कर दिया है। रणदीप सिंह सुरजवाला को इलेक्शन मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। सुबोध कुमार को पब्लिसिटी कमेटी का संयोजक बनाया गया है। पवन खेड़ा को मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस नेता बृजेश कुमार मदन को पब्लिक मीटिंग्स एंड लॉजिस्टिक्स कमेटी का संयोजक बनाया गया है। वरुण चोपड़ा को लीगल कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। गया जनसभा में जेपी नड्डा ने किसान बिल का किया समर्थन। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रविवार को शंखनाद हो गया है, जिसके बाद वर्चुअल रैली को ध्यान में रखते हुए जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गया के गांधी मैदान पहुंचकर चुनाव का आगाज किया है। उन्होंने कहा कि किसानों का ये जो कानून लेकर नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के किसानों को आजाद कर दिया है, अब अन्नदाता को अपनी मेहनत का हिसाब लेने की जगह जगह चक्कर नहीं काटने होंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 70 साल में कांग्रेस केवल जाति के आधार पर राजनीति करती रही है, मगर एनडीए की सरकार ने शिक्षा के लिए बेहतर काम किया है। उन्होंने बताया कि बिहार में एनडीए के राज्य में 14 मेडिकल कॉलेज को खोला जा चुका है, जिसमें 5 साल में छात्रों के लिए बजट बनाकर उनकी मदद करने की कोशिश की गई है। बिहार भाजपा के सोशल मीडिया पोस्ट की होगी जांच। चुनाव आयोग ने बिहार भाजपा के फेसबुक पेज पर किए गए पोस्ट की जांच का आदेश दे दिया है। जारी किए गए आदेश के अनुसार बिहार भाजपा ने बिना मीडिया सर्टिफिकेशन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण समेत अन्य प्रचार संबंधित सामग्री को पेज पर पोस्ट करने की बात कही है। यह पोस्ट 26 सितम्बर से लेकर 1 अक्टूबर की तारीख तक जारी किए गए थे। जांच का आदेश निर्वाचन विभाग के संयुक्त सचिव कन्हैया प्रसाद की तरफ से दे दिया गया है। सूबे के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को कहा गया है कि वे अपने क्षेत्राधीन बिहार भाजपा के फेसबुक उक्त अवधि में किए गए पोस्ट की जांच करें, साथ ही संबंध में आवश्यक कदम उठाते हुए मुख्यालय को सूचित भी जल्द से जल्द करें। बिहार भाजपा के दिन पोस्ट पर आपत्ति जताते हुए शिकायत की गई है, उसमें प्रधानमंत्री के कई संदेश और भाषण भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के पुत्र को नहीं मिला भागलपुर से सीट। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के पुत्र का भागलपुर टिकट कट चुका है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार भाजपा के विधानसभा चुनाव को लेकर 46 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी, जिसके पहले भाजपा ने 2 बार पहले ही फेज के चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी थी। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी संजय मयूख ने इस बात की जानकारी साझा कर दी है। जारी किए गए इस सूची में अश्विनी कुमार चौबे के पुत्र अर्जुन रावत चौबे का नाम नहीं है, यानी कि इस बार भी उनका पता साफ हो गया है। वहीं भागलपुर से इस बार किस्मत आजमाना चाहते थे, लेकिन वहां से पार्टी ने रोहित पांडे को टिकट दे दिया है। चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान और अपने पिता के गुजर जाने के बाद चिराग पासवान पूरे तरीके से गुमसुम नजर आ रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान ने ट्वीट करके लोगों से अपने ऊपर प्यार बनाए रखने की अपील की है। इसके साथ ही चिराग पासवान ने पहला ट्वीट अपने समर्थकों के लिए किया और कहा कि आपका आशीर्वाद और स्नेह हमेशा बनाए रखे। इसके बाद चिराग पासवान ने दूसरे ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। चिराग पासवान ने ट्वीट कर लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पापा की अंतिम यात्रा में किए गए सहयोग के लिए हृदय से आभार। सर, आपने पापा की अंतिम यात्रा के लिए सभी व्यवस्था बिना मांगे की, बेटे के तौर पर मैं एक मुश्किल समय से गुजर रहा हूँ, आपके साथ से हिम्मत और हौसला दोनों बढ़ा है। आपको बता दें रामविलास पासवान ने गुरुवार को दुनिया को अलविदा कह दिया था। वहीं उनका राजकीय सम्मान के साथ पटना के दीघा से जनार्दन घाट पर अंतिम संस्कार किया गया था। बिहार को सक्षम और स्वावलंबी बनाने के लिए नीतीश का एजेंडा है तय। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू ने अपना एजेंडा सेट कर लिया है। चुनाव से पहले जो भी उनके 7 निश्चय पार्ट 2 की घोषणा भी कर दी गई है। इसके साथ ही पत्र के जरिए जदयू ने साफ कर दिया है कि पार्टी आगे बिहार में विकास को लेकर कैसे बढ़ने वाली है। आपको बता दें इससे पहले भी पार्टी ने साल 2015 के चुनाव में 7 निश्चय की घोषणा कर दी थी और उसी के तर्ज पर इस बार भी होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जदयू ने 7 निश्चय पार्ट 2 का ऐलान कर दिया है, जिसके अंतर्गत युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्क का सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा जैसे एजेंडों पर काम किया जाएगा। गूगल का शॉपिंग हब बनने की यूट्यूब कर रहा है तैयारी। गूगल अपने वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब को फ्लिपकार्ट और अमेजोन की तरह शॉपिंग डेस्टिनेशन बनाने की प्लानिंग कर रहा है। इस तरह यूजर गैजेट्स के अलावा दूसरे सामानों को जहां ऑनलाइन खरीद सकेंगे। यूट्यूब की तरफ से क्रिएटर्स से यूट्यूब सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके अपने क्लिप में प्रोडक्ट फीचर को टैग कर ट्रैक करने को कहा गया है। इसके बाद डेटा को गूगल के पेरेंट्स कंपनी को एनालिस्ट और शॉपिंग टूल से लिंक कर शॉपिंग को आसान किया जाएगा। यूट्यूब की तरफ से प्रोडक्ट को कैटेगराइज किया जाएगा। वीडियो कैटेगरी में प्रोडक्ट को बिक्री के लिए लिस्ट किया जाएगा, जहां ग्राहक क्यूआर
कोड और साथ ही साथ QR प्रोडक्ट कैटेगरी के लिंक पर क्लिक करके सीधे प्रोडक्ट को खरीद सकेंगे। बॉयकॉट मिर्जापुर 2 की मांग पर बोले देवेंदु शर्मा। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे बॉयकॉट मिर्जापुर 2 को लेकर अभिनेता देवेंदु शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस पर उन्होंने कहते हुए कहा कि यह सब चीजें शो के कॉस्ट और क्रू पर असर नहीं डालती है, मुझे इस ट्रेंड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग नहीं जानते कि बाहर की दुनिया में कितने लोग इस शो के फैन हैं। यह सब बंद कर दो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मिर्जापुर को लोग कितना ज्यादा पसंद करते हैं। मुन्ना त्रिपाठी आगे कहते हैं, यह एक बेकार का हैशटैग है जो ट्रेंड कर रहा है, यह सारे पेड ट्रेंड्स है, ऐसा मेरा मानना है। बाहर निकलकर मत बोल देना, लोगों के सामने बहुत पड़ेगी तुमको। आपको बता दे, वेब सीरीज के बॉयकॉट के पीछे का कारण अली फजल और सीरीज के निर्माता फरहान का CAA और NRC का विरोध करना है। शोएब मलिक ने T20 क्रिकेट में विराट और रोहित को भी पछाड़ा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और सीनियर क्रिकेटर शोएब मलिक ने T20 क्रिकेट में विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया है। मिली जानकारी के अनुसार T20 क्रिकेट में शोएब मलिक ने 10,000 रनों का आंकड़ा पार करने वाले पहले एशियाई और दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले यह कारनामा क्रिस गेल और किरण पोलार्ड के नाम पर दर्ज था। पाकिस्तान में खेले जा रहे नेशनल T20 कप में शनिवार को शोएब मलिक ने 70 रनों की शानदार पारी खेली और इस दौरान उन्होंने T20 क्रिकेट में 10,000 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। मलिक की पत्नी और भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने भी उनकी इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 11 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,550 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,550 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,910 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.77 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 75.90 रुपए प्रति लीटर था। तेजस्वी यादव अब BDO साहब को बनाएंगे विधायक। चुनाव के पहले चरण के मतदान में बस कुछ ही दिन बाकी है। पहले चरण में नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू करवा दी गई है। वहीं इस पर चुनाव में कई अफसर भी विधायक बनने का सपना देख रहे हैं। इसी क्रम में BDO की नौकरी से इस्तीफा देने वाले डॉक्टर गौतम कृष्ण को तेजस्वी ने टिकट दे दिया है। वो नवहट्टा प्रखंड के BDO रहे हैं। डॉक्टर गौतम कृष्ण की नौकरी से इस्तीफा देकर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला ले चुके थे। इसके बाद उन्होंने राजद की सदस्यता ली थी। उम्मीद लगाई जा रही थी कि तेजस्वी यादव उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने उन्हें महिषी विधानसभा क्षेत्र से राजद का उम्मीदवार बनाया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है लक्ष्मण कुमार, चंदन कुमार, प्रियंका कुमारी, भागवती कुमारी, राजकिशोर शर्मा, सुदीक्षा कुमारी, मोनी कुमारी, कृष्ण मुरारी, उजाला चौधरी, रिंकी निराली, राजेश राज, समाज सेवा देश, सोनी कुमारी, रवि कुमार, मोहम्मद सिराज खान, इंदल कुमार शाह, रमाकांत कुमार, आयुष राज, रामनारायण कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर इस समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने वाले गलत खबरों पर रोक लगाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।